गुड मॉर्निंग एवरीवन, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। सीडीपी का आपका सीडीपी का चैप्टर वाइज वीडियो है, जो कि आपका आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है सीडीपी का, लेसन का नाम है उपलब्धि परीक्षाएं एवं निर्देशन। उपलब्धि परीक्षाएँ एवं निर्देशन, तो इसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सभी जो है वह आपका सीटेट एग्ज़ाम जो होना है 20 अगस्त 2023 को, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जो कि आज का ये जो सीडीपी का चैप्टर वाइज वीडियो का जो सेशन है, आपका लेसन का नाम है, आपका लेसन का जो नाम है आपका उपलब्धि परीक्षाएँ एवं निर्देशन। उपलब्धि परीक्षाएं एवं निर्देशन, अचीवमेंट टेस्ट एंड गाइडेंस, अचीवमेंट टेस्ट एंड गाइडेंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू फॉर्म में है, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका कहीं ना कहीं आने वाला जो आगामी जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज है, तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि आपका उस जो चैप्टर का नाम है उपलब्धि परीक्षाएं एवं निर्देशन, अचीवमेंट टेस्ट एंड गाइडेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आप देख रहे हैं हरियाणा टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, सभी प्रश्न या तो सीटेट में पूछा हुआ है या फिर अन्य कोई स्टेट का जो टेट एग्जाम हुआ उसमें कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, तो सीटेट के लिए सभी प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है, ये आपका सीटीपी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन का यह सीरीज चल रहा है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्यार्थी को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है, तो यह इसका जो आंसर होगा आपका, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी। एक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये आपका हरियाणा टेट 2011 में हुआ था, जो कि इसी में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या है, ये आपका देख रहे हैं यूके टेट उत्तराखंड टेट जो है उत्तराखंड टेट आपका 2011 में हुआ था, यह प्रश्न उसी में पूछा हुआ है। परामर्श का क्या उद्देश्य है, तो बच्चे को समझना, यह भी आपका परामर्श का उद्देश्य है। बच्चे की कमियों का कारण पता करना, यह भी क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, यह भी क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दो का परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना और बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, यह सभी क्या है, परामर्श का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी दो का। चले, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, आपका यूपी टेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका, कारण जानने का चेष्टा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, आप शिक्षक हैं और आपके कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तीन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर आपका एक प्रमापीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है, तो यह भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ है। तो एक प्रमापीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका, परीक्षण में
आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपका वी टेट 2011 में, बिहार टेट जो आपका 2011 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, शिक्षक को उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए शिक्षक को। चलिए 5 का वी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये आपका सीटेट 2012 में पूछा गया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, या फिर निबंधनात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यह भी सीटेट 2012 में पूछा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या विशेषता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी, बार बार ली जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, ये आपका क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं यह क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएँ हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका सीटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। यह सीटेट 2012 में पूछा गया है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, और यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 8 का डी हो जाएगा, वैधता वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर डी, यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है। ऑप्शन नंबर डी, वैलिडिटी। 8 का डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही है। ये आपका यूपी टेट में पूछा हुआ है, यू टेट है 2013 में। तो इसका स्टेटमेंट है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, या परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय है एवं वैध है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह तो स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन तो आपका यहाँ पर है जो कि आपका केवल एक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 9 का। क्या हो जाएगा, केवल एक, मतलब यह वाला आपका जो क्या है, वह वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में जो सही कथन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट एक ही सही है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। बाकी जो स्टेटमेंट है 2, 3, और 4 ये सभी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये आपका क्या, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में वह सही कथन है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है,
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसमें अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसमें अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका सीटेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2014 में सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया है सीटीपी में। तो इसका जो आंसर होगा वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य कर रहे हैं करें। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसमें अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि आप अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपका है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं कि जिसकी निष्पक्षतात्मक प्रगति एवं प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। यह सीटेट 2014 में पूछा हुआ यह प्रश्न। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पक्षतात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 11 का ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर ए 11 का ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बारह क्या है आपका। बहुविकल्प प्रश्न बच्चों की डैश योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्प प्रश्न जो है वो बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने में योग्यता का आकलन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 का। बहुविकल्प प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने में योग्यता का आकलन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 12 का क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तेरह आपका है। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो सभी छात्रों के लिए रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए सभी छात्रों के लिए। रचनात्मक लेख का नियोजन जो है वो सभी छात्रों के लिए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 13 का। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डेस्क के बारे में चिंतित है। यह सीटेट जनवरी 2012 में पूछा हुआ है, तो वैधता ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही, वैधता वैलिडिटी। 14 का क्या हो जाएगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि यह क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की जो वह किसके बारे में चिंतित है, तो ये जो प्रश्न है आपका एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की जो आपका प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, वैधता मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैलिडिटी। देखिए कुछ बुक में विश्वसनीयता भी देता है, तो आपका इसमें वैलिडिटी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैधता। 14 का ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार और भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 में यह क्वेश्चन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, तो इसका जो आपको मिलान करना है तो कौन सा सही है जो अच्छे तरह से वो मिला हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका जो ए नंबर में क्या है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, यह आपका गलत है। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए हैं सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण जो वह कौन सा था, यह भी क्या गलत है। तो जड़ी बूटियाँ सी नंबर आपका क्या है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाकविधि लिखिए। तो निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों जो विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तर परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, तो आपका ये जो मिलान जो आपका सही है तो इसका आंसर होगा आपका 15 का डी हो जाएगा, ये वाला आपका सही है। क्या है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों जो है विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तर परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका 15 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन को बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत है, ऑप्शन नंबर सी यह आपका कथन सही है। 16 का सी आपका क्या है, सही है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत है, ऑप्शन नंबर सी इसका 16 का हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका है जो आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा हुआ है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है यह प्रश्न निम्न से किस प्रकार प्रश्नों से संबंध रखता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा का 17 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड अंकों से कैसे अलग है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, तो विश्लेषणात्मक प्रश्न एनालिटिकल ऑप्शन नंबर बी 17 का भी हो जाएगा। अब आपका और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं में विचार की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका 18 का सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, यह आपका जो चैप्टर है आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के पढ़ने की तरफ ले जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के पढ़ने की तरफ ले जा सकती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये आपका सीटेट सितंबर 2015 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः
बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के पढ़ने के तरफ ले जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, 19 का ए। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर वाइज जो आपका CDP का जो आपका MCQ क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसका आज का जो सेशन था आपका 18 लेसन नंबर 18, क्योंकि इससे पहले 17 लेसन को हम चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन को इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो कि CDP का ही आपका 18 नंबर क्वेश्चन लेसन था, जो कि आपका सभी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन को CDP का इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आपका 16 नंबर है, सॉरी यह क्या है आपका 16 नंबर था, इससे 15 उससे पहले 15 लेसन को अपलोड कर चुके हैं। तो 16 नंबर आपका उपलब्धि परीक्षाएं एवं निर्देशन अचीवमेंट टेस्ट एंड गाइडेंस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था इसको इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे और भी चैप्टर, इसके लिए तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।